नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। बिहार की राजनीति में अब चावल वाली पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। तेज प्रताप यादव की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चावल गिफ्ट भेजा जा रहा है, और इससे अब सवाल ये शुरू हो गया है और चर्चा इस बात की कि क्या तेज प्रताप यादव जो हैं चावल के सहारे बिहार में जो RJD और JDU के बीच में जो तल्खियाँ हैं उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार तेज प्रताप यादव की तरफ से इस बात के दावे किए जा रहे हैं कि बहुत जल्द बिहार में सत्ता परिवर्तन जो है वो होने वाला है और तेजस्वी यादव की अगुवाई में सरकार बनने वाली, और तभी संभव है जब एक बड़ा धड़ा यानी कि JDU या फिर मुकेश सहनी और जितना मांझी की पार्टी समर्थन करती है। और ऐसे में तमाम तरह के जो सियासी जो चर्चा है वो चल रही है, और इसी बीच में जब आज तेज प्रताप यादव की तरफ से LR चावल को लॉन्च किया गया, तो इस दौरान हमारे संवाददाता देवांशु प्रभात के साथ तेज प्रताप यादव ने बातचीत के दौरान CM नीतीश कुमार को चावल गिफ्ट करने की बात कही, तो मांझी और सहनी के बारे में भी उन्होंने कहा कि उनको भी गिफ्ट भेजेंगे और लोगों से जो है संबंध को प्रगाढ़ करने की कोशिश होगी। क्या कुछ कह रहे हैं तेज प्रताप यादव, सुनवाते हैं आप। अरे मांझी जी से फिर चाचा जी को जाएगा चावल। देखते हैं, आपके सामने वो फोन उठाएंगे तो बात कर लेते हैं। देखिए, ये मांझी जी को फोन कर रहे हैं हमारे सामने और मिलने के लिए जाएंगे। हेलो जी, नमस्कार। चावल LR मल्टीग्रेन सामने आज चालू किया है, चावल आपको लेना होगा। जी जी, तुम लेंगे तो लेंगे, तो कहाँ है आप आएंगे? अभी तो आप आ रहा है, सरस्वती पूजा है ना। अच्छा, और मांझी जी कहाँ है? गाँव पे। अच्छा, तो चावल आप ले लेते? हाँ, आके ले जाएंगे भाई। हाँ, तो आके ले लीजिएगा और मांझी जी को भी हमारे तरफ से दीजिएगा। जी। देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन, हमारे साथ बात करने के लिए तेज प्रताप यादव है। तेज प्रताप यादव जी, सियासत के साथ साथ ये बिजनेस लगातार आप नए नए शुरू कर रहे हैं, कैसा मतलब फील कर रहे हैं आप आज शुरुआत की? नहीं, अब कोई भी काम करता है तो कैसा फील, अब आप ही काम कर रहे हैं तो आपको अच्छा फील होता होगा। हम भी अच्छा फील कर रहे हैं। किस तरीके से ये इसका फायदा जो है वो किसानों को होगा और बिहार के बेरोजगारों को होगा? देखिए, किसान भाई जिस तरीके से इस राज्य में और केंद्र सरकार में जिस तरीके से वंचित हुए, लगातार धरना प्रदर्शन उन्होंने करने का काम किया, फिर भी उनको रोजगार ना मिला, ना उनको जो मुनाफा मिलना चाहिए वो मुनाफा मिला। तो ऐसे सिचुएशन में, जब लॉकडाउन के सिचुएशन में भी जब फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, हर एक चीज बंद हो गया, तो एक चावल ही एकमात्र ऐसा चीज़ है, और दवा का जो लोग व्यवसायी लोग किए वो लगातार चला है और चलता आ रहा है। तो ये कभी किराना स्टोर पे अगर चावल जाए, आटा जाए, मैदा जाए, बेसन जाए, तो ये कभी बंद नहीं हो सकता है, ये बंद होने वाला चीज़ नहीं है। और इसमें बेनिफिट ही होता है लोगों को, और इसमें जो लोग जुड़ेंगे उनको डिस्ट्रीब्यूटर हम बनाने का काम करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको चावल को लोग अपनाएंगे, और किसान भाइयों को डायरेक्ट हम लेंगे चावल उनसे, उनको फायदा पहुंचाने का काम। LR अगरबत्ती, LR राइस, नाम LR क्यों? LR का मतलब हो गया लार्जेस्ट रीच, इसीलिए उसका नाम LR है। मुकेश सहनी को चावल देंगे गिफ्ट के रूप में? हाँ, मुकेश सहनी जी को दे देंगे, पहले मांझी जी को भिजवाना है चावल। मांझी जी को? हाँ। क्या लग रहा है कि चावल खा के दोनों आपकी बातें उनको मान जाएंगे? मांझी जी से फिर चाचा जी को जाएगा चावल। चलिए, पक्का क्या भेजेंगे ना चावल? हम तो जा रहे हैं, अभी बात कर लेते हैं। देखते हैं, आपके सामने वो फोन उठाएंगे तो बात कर लेते हैं। चलिए, देख सकते हैं कि तेज प्रताप यादव जो है वो हमारे 1-to-1 में ही बात कर रहे हैं अपने विरोधी खेमों के नेताओं से, और बात करेंगे और जो चावल को जो लॉन्च किया है इन्होंने, उस चावल को किन्हें फोन लगाया तेज प्रताप जी ने? देखिए, ये मांझी जी को फोन कर रहे हैं हमारे सामने और मिलने के लिए जाएंगे। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, चावल LR मल्टीग्रेन सामने आज चालू किया है, चावल आपको लेना होगा। जी जी, तुम लेंगे तो लेंगे, तो कहाँ हैं आप आएंगे? अभी तो आप आ रहा है, सरस्वती पूजा है ना। अच्छा, और मांझी जी कहाँ हैं? मांझी जी गांव पे। अच्छा, तो चावल आप ले लेते? हाँ, आके ले जाएंगे भाई। हाँ, तो आके ले लीजिएगा और मांझी जी को भी हमारे तरफ से दीजिएगा। जी ठीक। घर पे कि वहाँ शोरूम पे चले जाएंगे? यहीं घर पे। ठीक। कैसे नहीं रह गए ये? ठीक है, ये है तेज प्रताप यादव, जिन्होंने आज ही इन्होंने लॉन्च किया है अपनी रास LR राइस, और LR राइस जो है वो मुकेश सहनी और मांझी के घर भी भेजवाएंगे। और हमारे सामने खुद जीतम राम मांझी के सबसे करीबी को फ़ोन किया और ये जानकारी ली कहाँ है जीतम राम मांझी, तो पता चला कि जीतम राम मांझी अपने गांव में है। जैसे ही वो पटना पहुँचेंगे तो तेज प्रताप यादव खुद जाएंगे जीतम राम मांझी को ये राइस पहुँचाने के लिए। फिलहाल अभी तक इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।